राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम आवास योजना के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को पहली किस्त जारी की गई। इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों के पैर भी पखारे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यदि किसी भी हितग्राही से पैसों की मांग की जाएगी तो उस जिले के कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि सभी कलेक्टर कान खोलकर सुन ले, पीएम आवास में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खाद्य मंत्री दयाल दास, मंत्री विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू मौजूद रहे। मंच में बिराजे हैगा हमर मुखिया, हमर नेता माननीय विष्णुदेव साय जी। आपला ध्यान हो है, उछला सरकार हा वादा करीस फिर नहीं निभाईस। कह रही अपन घोषणा पत्र मा कि आवास के अधिकार देबो, अरे आवास के अधिकार बाद में देतीस जलना नरेंद्र मोदी जी दे रही तेने आवास ला दे देतीस तो बने बात हो जतीस। आपला ध्यान हो है वही पिछला सरकार के वो जन मंत्री रही से पंचायत विभाग के तेनहा इस्तीफा दे दे रही से कहा बार गुहरात गुहरात थक गए बपुरा के कर दे भैया आवास ला स्वीकृत फिर नहीं करे पिछला सरकार। आप मन के आवास ला 5 साल रोक के रख लेन और ओखर बाद आप मन आंदोलन कर रहे हो मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन। आपला ध्यान हो है पूरा सरकार ला घेरे गे रही से और ओखर बाद सरकार ला उखाड़ के फेंक दे गई। नवा सरकार आप मन अपन बना ले हो और माननीय विष्णुदेव साई जी वो सरकार के मुखिया बने, हमर मुख्यमंत्री बने। आपला ध्यान हो है कि पिछले बार जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रही है रायपुर मार साइंस कॉलेज मा तो कह रही है कि नवा बनैया सरकार के और पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव का ही रही तो ओहा प्रधानमंत्री 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति बन रही है। और अक्षर सह पालन करत हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हा पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव करके एक हिन के 18 लाख गरीबन के जिन आवास है तेन आवास के हम स्वीकृति देवतन ऐसे करके पहला कैबिनेट के बैठक में कहिन। मैं आपसे निवेदन करता हूं भैया, मैं आप सभ्य जन से निवेदन करता हूं, आप सभ्य जन के आवास अवैया है और वो आवास आप तक पहुंचाए के जिन माध्यम है तेन माननीय हमर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है। एक बार आप मैं जोरदार ताली बजा करके मैं निवेदन करूं आप मन अपन जगह हम खड़ा होकर के माननीय हमर मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के एक बार स्वागत करो अभिनंदन करो। यहां से लेकर के दिल्ली तक के दौड़ लगाई है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के, उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान विजय शर्मा जी ला मैं धन्यवाद ये वजह से देवत हूं कि आवास की योजना के संगठन के महामंत्री बनते हुए पूरी कार्य योजना के रूपरेखा तय करने वाला कोई है तो विजय शर्मा जी ला मैं कहना चाहता हूं। जो खर ये पूरी कार्य योजना तैयार करके यहां बैठे हुए हमारे सभी साथी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, दयाल दास बघेल जी, मंत्री खाद्य लखनलाल देवांगन जी, श्रम विभाग के मंत्री अनुज शर्मा जी, विधायक इंद्र कुमार जी, हमारे विधायक पुरिंदर जी, मोतीलाल साहू जी, रूप कुमार जी सांसद, यहां उपस्थित विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी और सभी अधिकारीगण, यहां के जिलाधीश, यहां के पुलिस अधीक्षक, ये जिन बात ला विजय शर्मा जी बतात्री से ओला जगका हितग्राही बैठे हो ओला कान लगा के सुन लो और कागज में नोट कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है, ये विष्णुदेव साय की योजना है, विजय शर्मा की योजना है, ये कमल निशान की योजना है। हितग्राही मल्ला एक रुपया भी कहीं दे के जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए आप, कोई भी दलाल किसी से भी जुड़ा हो हितग्राहियों से यदि एक रुपया भी मांगता है, एक रुपया का भी डिमांड करता है, वहां के कलेक्टर को फोन करके तुरंत सूचना करें, उस व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार किया जाएगा, जेल के अंदर जाएगा। मैं ये आज कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से,
एक रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। इसलिए विभाग ने शानदार पहली बार हिंदुस्तान में गृह पोर्टल बनाया है। ये गृह पोर्टल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा आवास की स्वीकृति का, राजमिस्त्री की उपलब्धता का, बैंक की सखी की उपलब्धता का, और जो महत्वपूर्ण गैप है आवास में उसको भी लगातार मॉनिटरिंग करेगा जब तक आवास पूरा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी स्थिति और सारा काम विभाग ने बहुत सोच के किया है, और आज के दिन में मैं फिर से आप सबको और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, अधिकारियों को, कि बहुत तेजी के साथ काम करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा किया है, और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के अवसर पे, विश्वकर्मा दिवस के अवसर पे स्वच्छता अभियान को शुरू करने, मोदी जी के जन्मदिन से आप सबको मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमर छत्तीसगढ़ वासी मन के लिए और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हमर लाभार्थी बहनी भाई मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से प्रथम किस्त जारी करी, और जमन के प्रधानमंत्री आवास पूरा होगी से ऐसे ग्रामीण आवास और शहरी आवास के गृह प्रवेश भी करा ही। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज हमर बीच में मंच में विराजमान हमर प्रदेश के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार 3 बार, और जो छत्तीसगढ़ ला विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाइन, हमर छत्तीसगढ़ ले भूख ला भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन, भाई और बहनों और हमर मीडिया के साथी मन, आप सबके मैं हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आज विश्वकर्मा जयंती है, तो विश्वकर्मा जयंती के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। और हमर जो आधुनिक भारत है ओकर जो विश्वकर्मा है हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उमन के जन्मदिन है, विश्वकर्मा पैदा हुईन वही दिन वो भी पैदा हुईन, तो ऐसे हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी जन्मदिन के हमर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन के तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान से हमन प्रार्थना करत हन कि उमन ला स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, ताकि 140 करोड़ भारतवासी के उमन ऐसने सेवा करते रहे। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूं हमर प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन के, जमन के आज पहला किस्त जारी होना है, ऐसे लाभार्थी मन के हमन पांव धोए के उमन के स्वागत करे हन। और 8,46,932 जमन के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुई से पूरे प्रदेश में, उमन के भी मैं स्वागत करत हूं। और विशेषकर मैं आभार करना चाहूं